एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप लोग मुंबई में नए नए आए हो, आपको पता नहीं है कि लोकल ट्रेन में कैसे ट्रेवल करना है, तो टेंशन मत लो। आज का ये वीडियो हमारा यही होने वाला है कि आप लोग लोकल ट्रेन में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो टिकट होती है वो ऑनलाइन कैसे बुक करा सकते हैं एंड ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए राजस्थानी गर्ल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऑफलाइन टिकट है वो कैसे बुक कर सकते हैं। ओके, तो ऑफलाइन टिकट के लिए आपको हर स्टेशन पे टिकट काउंटर मिलेंगे जहां से आप टिकट्स ले सकते हैं। टिकट का जो मिनिमम चार्ज होता है वो 5 रुपए का होता है, उसके बाद में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को पास चाहिए, जैसे मंथली पास हो गया, 3 मंथ का हो गया, 6 मंथ या ईयरली, उसके लिए आपको टिकट काउंटर के पास में पास का काउंटर मिलेगा जहां से आप पास भी ले सकते हैं। पास की जो प्रोसेस होती है वो है कि आपको अपना एक ID लेके जाना रहता है, आधार कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आप ID लेके जा सकते हैं। वहां पे एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद में जो भी पेमेंट रहता है वो पेमेंट करके आप अपना मंथली पास ले सकते हैं। ये हो गया कि आप ऑफलाइन टिकट कैसे ले सकते हैं। ओके, तो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है जिसका नाम है एम इंडिकेटर। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो डायरेक्ट आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम इंडिकेटर यूज कैसे करना है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एम इंडिकेटर ओपन करना है। तो जैसे आप एम इंडिकेटर ओपन करोगे तो इस टाइप से पेज ओपन होगा जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले लोकल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, स्टेशन और फेयर का, बट ये आईफोन में वर्क नहीं करता है। एंड्रॉइड में देखोगे तो वहाँ पे ये इजीली चल जाता है कि आपको टिकट का चार्जेस देखना है, तो वो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे मोस्टली जो एम इंडिकेटर है वो यूज इसीलिए होता है कि आपको ट्रेन का टाइमिंग देखना होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी वो आपको देखना रहता है। तो देखो जैसे मैं देख रही हूँ बेलापुर CBD से, मुझे जाना है बेलापुर CBD से CST, तो आप देख रहे हो CSMT का ऑप्शन आ रहा है। वैसे आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो इस टाइप से मुझे सारी ट्रेनें दिखा रहा है कि कौन कौन सी ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी। साथ में आप देख रहे हो साइड में प्लेटफॉर्म भी दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। ऐसे आप कोई भी ट्रेन कोई भी स्टेशन से प्लेटफॉर्म में वो चेकआउट कर सकते हैं, साथ में टाइमिंग भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप देखोगे आगे स्लो का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सारी ट्रेनें स्लो वाली है, फास्ट अवेलेबल ये नहीं चलती है बेलापुर से CST, तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। स्लो और फास्ट का मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब है कि वो जो ट्रेन है वो हर स्टेशन पे रुकेगी, ऐसा नहीं कि ट्रेन धीरे चलती है, स्लो का मतलब है कि हर स्टेशन पे रुकेगी। फास्ट का मतलब होता है कि कुछ कुछ स्टेशन पे रुकेगी, वो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जो ट्रेन फास्ट होती है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि ये ट्रेन फास्ट वाली है, ये कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस टाइप से ये होता है एम इंडिकेटर एप्लीकेशन का यूज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप ऑफलाइन टिकट कैसे ले सकते हैं काउंटर से जाके। अभी बात आती है कि आप ऑनलाइन टिकट है वो कैसे बुक करा सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करना है UTS एप्लीकेशन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो डायरेक्ट आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। UTS एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं उसके लिए आप साइड वाली स्क्रीन देख रहे हैं, वहां पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप से UTS ऐप ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो इस टाइप से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें अगर आप लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना R वॉलेट है उसको आप रिचार्ज कर लेना, आपको जितना भी बैलेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे देख रहे हैं नॉर्मल बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आपको पेपरलेस वाली बुकिंग करनी है कि प्रिंट वाली करनी है। अगर आपको प्रिंट वाली चाहिए तो यहाँ पे आप बुकिंग करके फिर स्टेशन से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बुकिंग ले रही हूँ पेपरलेस वाली। मैं नवी मुंबई के किसी स्टेशन की बुकिंग करके आप लोगों को बता रही हूँ। सेम प्रोसेस होती है, आप किसी भी स्टेशन की बुकिंग करते हैं तो आपको यही प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे स्टेशन पे क्लिक किया, मुझे जाना है बेलापुर से कारगर का, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बेलापुर से CBD है वो सर्च किया स्टेशन। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट किया है कारगर स्टेशन, तो मैंने जैसे ही कारगर स्टेशन पे फिल किया उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आप देख रहे हो इस टाइप से आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहले एडल्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर साइड में चाइल्ड आ रहा है। अगर आपके साथ आप अपने फैमिली के साथ में ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप आपकी साथ में टिकट है वो बुक कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद में आप देख रहे हैं टिकट टाइप का ऑप्शन आ रहा है, जर्नी आपको सिंगल साइड करना है कि आपको रिटर्न भी आना है तो आप रिटर्न के टिकट भी सेम टाइम पे ले सकते हैं।
उसके बाद में आप देख रहे हो क्लास टाइप, और सेकंड क्लास का लेना है कि फर्स्ट क्लास का लेना है। दोनों क्लास में फर्क कुछ नहीं होता, बस किराए का फर्क होता है, जो चार्जेस होता है उन्हीं का फर्क होता है। आप वीडियो में देख रहे हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में सिर्फ बाहर फर्स्ट लिखा होता है, सेकंड पे सेकंड लिखा हुआ रहता है। दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है कि आपको फर्स्ट क्लास में जो सीट होती है वो अच्छी क्वालिटी वाली मिल जाती है, लाइक एकदम थोड़ा कंफर्ट फील होता है आपको। एंड सेकंड क्लास में आप देख रहे हो इस टाइप से सीट होती है। बस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है और थोड़ा जो सीट होता है उसका फर्क होता है। बस चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। तो उस टाइप से अगर आपको सेकंड क्लास चाहिए और फर्स्ट क्लास चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग है वो बुकिंग ले सकते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट फेयर का, तो मैंने जैसे इस पे गेट फेयर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मुझे, अगर मैंने फर्स्ट क्लास का अगर बुक करा रही हूँ तो 30 रुपये दिखा रहा है, अगर वही मैं सेकंड क्लास का ले रही हूँ तो मुझे सिर्फ 5 रुपये दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा फर्क होता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, उसके बाद में आप लोग बुकिंग ले सकते हैं अपनी टिकट की। ओके, लेकिन टिकट UTS ऐप से अगर आप लोग बुकिंग करा रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, UTS जो एप्लीकेशन है वो स्टेशन से 15 मीटर के डिस्टेंस पे ही यूज होता है। आप स्टेशन पे या फिर चलती ट्रेन में टिकट बुकिंग नहीं करा सकते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ओके, तो इस टाइप से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं स्टेशन की। ओके, तो अब टिकट बुक कराने के बाद में आप कहाँ पे देखोगे कि जो आपकी टिकट है वो बुक हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा आप ये देख रहे हैं बुकिंग हिस्ट्री, बुकिंग हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख रहे हो मुझे शो कर रहा है बेलापुर सिविली से खारगढ़ तक की मेरा जो ट्रेन है, यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि आप कितने लोग हो, एडल्ट एक है, कितनी तारीख को मैंने बुकिंग कराई है, कितने बजे बुकिंग करवाई है, वो सब यहाँ पे इसमें शो करेगा। तो जब भी कोई चेकिंग वाला आए तो आपको जस्ट बुकिंग हिस्ट्री में जाके आपको अपनी जो टिकट है वो आपको शो करनी रहती है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लोकल ट्रेन में कैसे ट्रेवल करते हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहा है आप लोगों को तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, अगर एक दो डाउट रहा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, ज्यादा अगर आपको डाउट रहा तो मैं इसका पार्ट टू भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। तो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक कर देना यार, आप लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज बनाने का। तो अभी हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।